आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। संडे का दिन है, फैमिली के साथ एंजॉय करें, कोशिश करें घरों से बाहर ना निकलें, फैमिली के साथ घर में ही रहें, घर वालों के साथ एंजॉय करें। और ख़ास तौर पर आप गवर्नमेंट की जो जारी करता SOPs हैं, हिदायत हैं, आप उनको फॉलो करें। अगर बाहर भी निकलते हैं तो एहतियाती तदाबीर के साथ बाहर निकलें। आपको बताते चलें कि आज इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब दोपहर 3 बजे आवाम से बातचीत करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है, जो नंबर चलते हैं आप लोग उस पर रब्ता करें, आवाम नंबर्स पर रब्ता करके वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं। और खुशखबरी की बात यह है, जैसे कि आप सबको मालूम है, PSL 6 उसका मेला सज चुका है। दुबई में मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी जो हैं पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और साथ ही आपको बताएं कि आज जो हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से माउंड हैं खसूसी जनाब रियाज साहब, ये हैं वज़ीर आला सिंध के। और जो है साथ ही हमारे साथ मौजूद होंगे हुनैद लखानी साहब, जिनसे हम बात करेंगे तालीम के शोबे के हवाले से, क्योंकि जाहिर सी बात है लॉकडाउन है और उसमें बच्चे कितना डिस्टर्ब हो रहा है, स्कूल यूनिवर्सिटी या फिर मैं कॉलेजेस की मैं बात करूं तो कितनी जो है तालीम नुकसान हो रही है। क्या सिर्फ इसका हल सिर्फ मोबाइल हद तक ही रह गया, तालीम से मोबाइल की हद तक रह गई, या फिर बच्चे फिर से रेगुलर होना शुरू होंगे, अपने क्लासेस अटेंड करेंगे? क्योंकि एक जो है चीज़ आप मुसलसल, जैसे आप मोबाइल मुसलसल इस्तेमाल करते हैं तो जो उसकी रेजेस होती है कितनी डेंजरस होती है इंसानी जान के लिए। तो इसके हवाले से हम बात करेंगे आज ही हमारे प्रोग्राम में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हमारे मेहमानों के साथ, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे मैंने जिक्र किया था, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं एक और मेहमान के साथ। हमारे अभी अभी ज्वाइन किया है माउन ने खसूसी वज़ीर आला सिंध रियाज शाह साहब ने। खुश आमदीद कहूँ गया मेरे प्रोग्राम में आए। कैसे हैं आप, पहले तो बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। हम बात कर लेते हैं, पहले तो कोविड के हवाले से हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसे सिंध गवर्नमेंट जो है वो कोविड का माशाल्लाह उन्होंने वो स्टार्ट किया हुआ है। पहले जो है अंडर, मतलब अबव 30 था, फिर 30 अंडर 30 हो गया। तो जिस तरह से मैंने सुना है कि सिम्टम्स, क्योंकि आपने ख़ुद भी वैक्सीन लगवाई हुई है, तो मैंने सुना है कि जब वैक्सीन लगाते हैं तो इसमें थोड़ा सा जो है तबीयत डाउन हो जाती है, तो मैं चाहूँगी कि क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है तो आप ही बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निदा, पहले आपका शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में बुलाया। अच्छा, मैंने मेरा सेकेंड डोज़ कल माशाल्लाह हुआ था मुझे, मैंने पहला डोज भी लगाया था, तो मुझे अल्लाह का करम है कोई भी डिजीनेस भी नहीं हुई, ना बुखार हुआ ना कुछ, कोई ऐसे अच्छा, सिम्टम्स नहीं आए थे। दूसरा ये कि हमारी सिंध गवर्नमेंट में ने जो है यहाँ पे तकरीबन 250 से ऊपर सेंटर्स हैं, और कराची में आपको तकरीबन हर हॉस्पिटल में आपको ये सहूलत भी मिल जाती है। हमारा एक्सपो सेंटर है और जनाब में लग रहे हैं, तकरीबन सारे जगहों पे आपको मिलेंगे। हमारे जो और डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे पूरी सूबा सिंध में, हम उसको PHU लेवल पे भी ले गए, अब स्टार्ट होंगे जल्दी। कुछ जगहों पे हो गए, कुछ जगहों पे अभी होने वाले हैं। तो एक गांव-गांव तक हम ये वैक्सीनेशन पहुंचा रहे हैं, और आपके चैनल के तवसुस से मैं मैसेज भी दूंगा सबको कि काइंडली हमें अगर जो है नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ अगर जाना है तो हमें तो ये कराना पड़ेगा। वैक्सीन होगी तो हम अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, नहीं तो ये लॉकडाउन लगे रहेंगे। हमारे पास हम काफ़ी बार, हमारी हुकूमतें, CM साहब, पाकिस्तान हुकूमत, पूरी दुनिया बार बार मैसेजेस दे रहे हैं कि आप SOPs को फॉलो करें, आप मास्क पहनें, आप वैक्सीन करवाएं जी। हमने खुद करवाए हुए हैं, सब ने करवाएं, आप भी करवाएं, मगर काफ़ी ऐसे अनासर हैं जो गलत मैसेजेस फैला के लोगों का माइंड डाइवर्ट करते हैं। फ्राइडे को प्रोग्राम बकायदा पूरा हमने इसके ऊपर एक कंप्लीट सेशन रखा था, हमने अपने पास प्रोफेसर को बुलाया था, तो जो कोविड से ही रिलेटेड है, उन्हें इंचार्ज हैं, तो हमने उनसे पूरी बात की थी इस हवाले से। उन्होंने बकायदा बताया कि जिस तरह की जो ये वीडियोज़ वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर, ये सब मतलब झूठ पे मबनी है, कोई इसमें कोई सदाकत नहीं है, इसमें कोई सदाकत नहीं है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है।
वो पता नहीं उनको ऐसा करके मिलता है क्या बिल्कुल मुझे भी नहीं समझ आ रहा, जबकि ये तो अंदाजा एक अच्छी तो चीज़ है बहुत आपकी अच्छी। सेफ्टी के लिए ये सब चीज़ें हो कोई रही हैं। कहता है कि मर जाएंगे, कोई कहता है कि क्या है, अच्छा इतने मैग्नेट आपने लग रहे हैं ये सब नहीं, ये सारा चीज़ें। झूठ है। आपने देखा था कि वो एक बंदा था, उसने और मैं अपने रखा हुआ था बिल्कुल छुपा के मैग्नेट और ऊपर रख रहा है, कोई बल्ब जला रहा है। जी। ऐसा तो नहीं, हमने खुद करवाई है, हमारी सारी फैमिली ने करवाई है, अल्लाह का करम है, अभी तक तो कोई इशू नहीं है। मुराद अली जी शाह जी साहब ने खुद ने करवा लिया जी वैक्सीन, जी चलें ये तो अच्छी सर, बात है। चलें हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक के हवाले से, क्योंकि इलेक्ट्रिक की बदमाशी उरूज पर है। वजीर आला सिंध आवाम से हाथ जोड़कर कहते हैं घरों में रहें, लेकिन के इलेक्ट्रिक का किबला कौन दुरुस्त करेगा? देखिए हम अपने बिहाफ पे तो कहते हैं वो प्राइवेट इदारा है, ठीक है, मगर हम फिर भी उनको बार बार कहते हैं कि कराची में जो भी ऐसे जगहें हैं, या ज़ाहिर है लोग घरों में हैं और गर्मी हद से ज़्यादा है, तो ये अभी रिसेंटली 2-3 बार लोगों को तकलीफ़ हुई है, लाइट बहुत टाइम तक चली गई है, काफ़ी ज़्यादा लंबी लोड शेडिंग रही है, पूरी तो पूरी रात उसके की भी लिए कई इलाकों में रही है। हमारी हुकूमत ने बात भी की, मगर जो है इनको थोड़ा ख्याल करना चाहिए इसका, जो भी फॉल्ट है उनको सही करें अगर मतलब ज़रूरत। इनसे किसी किस्म का कोई राबता हुआ है, उनको पाबंद देखिए किया है कि ये हमारे क्या आप हमें लोगों ने अपनी शिकायत बदमाशी लगा के रखी शिकायतें हुई है, आती हैं तो ज़ाहिर है आवाम बात करते हैं, परेशान हाल है और गर्मी इतनी शदीद है। हमें शिकायतें मौसूल होती हैं तो ज़ाहिर है हमारी हुकूमत बात करती है, मगर सही ये अगर हमारे ये अंडर नहीं आता, ये है प्राइवेट इदारा है, मगर जी हम जी बात ज़रूर करते हैं, हम उनको कहते हैं कि हालात सही करें इनके। ठीक है। एक तरफ एमकेएम और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के ऊपर सारे इल्ज़ाम तराशियाँ करती है कि सिंध की तबाही के पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी मतलब वो है, पीपल्स पार्टी ने ही पूरे सिंध को तबाह करके रख दिया है, तो इसमें आपका क्या कहना है, कौन है असल जिम्मेदार? देखिए जी, एमक्यूएम ने हमेशा कराची में, हैदराबाद में और इनकी हुकूमत रही है शहरों में, तो आप खुद ही बताते हैं कि इन्होंने क्या किया शहर के लिए। मैं अभी बोलूंगी तो बोलेंगे आप हमारी बुराइयां कर कुछ रहे हैं, तो कुछ मैं तो अरसा कुछ हुआ नहीं है, बोलूंगी अभी जो बलदियाती टेन्योर ख़त्म हुआ है, उसके जी बाद का आप टाइम देख लें उसमें कितने जी तरक्याती काम हुए हैं, कराची का ही आप ले लें, यहाँ के रोड्स बने हैं, यहाँ के वाटर पाइपलाइंस पानी की लगी है, सेवरेज पाइपलाइंस लगी हैं, उसके अलावा अगर हमारी हुकूमत काम नहीं करती या हम लोगों की खिदमत ना करते तो उसका ये तीसरा टेन्योर है, हम भारी मैंडेट से जीत के आते हैं, उसके अलावा अभी बाय इलेक्शंस हुए हैं माशाल्लाह, आपने उसमें भी आप रिजल्ट्स देख लें, बिल्कुल कराची का देख लें, बदीन का देख लें, आप सांगड़ का देख लें, जहाँ जहाँ भी आपको जो है बाय इलेक्शंस में लोगों ने 40-40, 50-50 हज़ार की जो है मार्जिन से लीड दी है, सही। तो यही हमने खिदमतें की है, इसी का सिला हमें लोगों ने दिया, तो ऐसा तो ये इल्ज़ाम तराशियां चलती रहती हैं, वो तो खुद ही ज़ाहिर हो गए, पीटीआई या एमक्यूएम, उनको क्या अब रह गया, क्या मैंडेट मिला है, ये तो सही सबके सामने है। ठीक है। क्योंकि तहरीक इंसाफ के कल भी हमारे पास नुमाइंदे आए हुए थे, बोले आप बता दें जब से हमारी हुकूमत आई है पीपल्स पार्टी ने ऐसा क्या किया, लेकिन हमारी हुकूमत आते ही हमने बहुत चीज़ें तब्दील क्या कर दी हैं, किया रोड बना दी है, सिवरेज का निज़ाम, मतलब पीटीआई, थोड़ा बहुत। हाँ पीटीआई कहती है, कहाँ पे बनाया पीटीआई बोले ने आप मलीर आके देखें, मलीर विजिट करें, हमने पूरा वहाँ पे बना के नहीं रख आप दिया खुद है। बताएं कि 3 साल में पीटीआई की हुकूमत है यहाँ पे पाकिस्तान में, 3 साल में कोई ऐसा इनका काम बताएं जो आपको नज़र आया हो या कोई चेंज आया हो, सिर्फ इंसाफ कार्ड की बात करते हैं, वो भी मोहतरमा बेनज़ीर का कार्ड था, जो पुरानी हुकूमतों से हमारी हुकूमत, हमारा इनिशिएटिव था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसके बाद सही। वो कंटिन्यू था नून लीग की हुकूमत में भी, अभी भी वही कार्ड है, उसका नाम चेंज कर दिया, और इन्होंने क्या किया, सेहत कार्ड बनाया, वो क्या सब बीमार होंगे जो वो खाएंगे, उनको पेट में जाएगा या उनको कोई फ़ायदा मिलेगा, सही। आम आदमी की ज़िंदगी में इनकी हुकूमत में क्या फ़र्क है, लोग गरीब से गरीब तर हो गए, उनका महंगाई हद से ज़्यादा है, चीनी कहाँ पहुँच गई, आटा कहाँ पहुँच गया, मुर्गी कोई गरीब बंदा खा नहीं सकता घर में, अभी पाँच साढ़े अगर पाँच हम सौ रेट रुपये लिस्ट की पहुँच गई। बात करें तो आलू की अगर मैं बात करती जी हूँ, आलू 28 रुपए किलो जो है दर्जा अव्वल कमिश्नर कराची की जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक है 28 रुपए किलो, लेकिन मार्केट में अगर हम विजिट करते हैं, मार्केट से अगर हम खरीदते हैं तो 35 से 40 रुपए दर्जन मिल रहे हैं, मतलब ये तो हाल पहुँच चुका है कि एक चलो आलू जो है सबसे सस्ती चीज़ है, लेकिन वो भी इस कदर महंगा हो गया है। देखिए महंगाई, लोग बड़े परेशान हैं
और इन ये जब आते हैं हमारे जो वजीर आजम साहब हैं टीवी पे आके सब कहते हैं घबराना नहीं है, आज भी 3 बजे वजीर आजम इमरान खान साहब जो देखते से हैं लोग बात क्या बात करेंगे। करते हैं, मगर हालात बड़े बुरे हैं। अभी ये कहते हैं कि जीडीपी ग्रोथ हमने बढ़ा दी है, कुछ दिन पहले जो है पिछले आईएमएफ से इन्होंने इतना ज़्यादा कर्जा लिया है, उसके बाद लोग बड़े परेशान हैं, कोई तरक्याती काम नहीं हुआ, कुछ नहीं है। इन्होंने इनकी पूरी टीम इनकॉम्पिटेंट है, इन्होंने 3 बार अपने वजीर ख़जाना जो है उनको चेंज किया, ये तीसरा लगा हुआ है। मतलब इन्होंने क्या किया है तक, इनकी रिशफलिंग होती रही है 3 साल में, काफ़ी बार वजीर चेंज हुए हैं, जिनकी कारकर्दगी बहुत ही ख़राब है उनको दूसरा महकमा दे देते हैं। कोई इनका क्या तब्दीली यही है, ये अपने चेंज होने अपने से आवाम की मुश्किलें कब सही होंगी, कैबिनेट की तब्दीली हो रही है, खुद मुल्क की तब्दीली नहीं आ रही। इनका ये जो नारा था शुरू में वही है, सही मतलब तब्दीली आएगी और ये सब चीजें। लेकिन ये कमिश्नर कराची जो है वो किसी किस्म की कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। देखिए हमारा डिपार्टमेंट है प्राइस एंड पेरो जी, मतलब बच्चिया के गोश्त की अगर मैं बात करूँ पहले तो जो रेट लिस्ट के मुताबिक है वो 470 है, लेकिन 650-700 मार्केट में मिल रहा है। हमारे पास मैं बता रहा था डिपार्टमेंट है सिंध गवर्नमेंट का प्राइस एंड पेरो कंट्रोल, उसमें जो है हमारी टीम्स मुकरर की हुई हैं जो सुबह को रेट लिस्ट देके वो छापे मारती हैं हर जगह पे। सही। तो मुख्तलिफ जगहों पे वो जाते हैं पूरे ऑल ओवर सिंध में, पूरे सूबे में, तो जो भी मुनाफा खो रहे हैं उनको वो फाइन भी करते हैं और उनको सील भी करते हैं बाकायदगी से। अब अभी तक कितनी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, कितनी दुकानें आप लोगों ने सील करवा दी हैं? देखिए उनका तो कंसर्न मिनिस्टर या हमारे मावन खसूसी है खट्टूमल जीवन साहब, वो बेहतर बता सकते हैं, मगर मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि उनमें काफ़ी दिन में जो है काफ़ी उनके सील भी होते हैं और उनके जो है फाइन्स भी लगते हैं, तकरीबन 5,000 से 20,000-25,000 तक फाइन लगता है एक एक शॉप वाले को जो मुनाफा खो रहे हैं। लेकिन मैंने अभी तो किस तरह की कोई कार्रवाई नहीं देखी कि अगर आप स्कीम 33 की तरफ आए तो वहाँ पे सब अपनी मनमानी अपनी बदमाशी आपने लेना है ले वरना आप जाएं। कभी ऐसा हो मतलब आवाम जो है अपने पैसे दे के खरीदती है लेकिन उसके बावजूद जो दुकानदार इस तरह से बदमाशी कर रहे होते हैं ये वो बेचारे समझते हैं कि उधार पे हम लेके जा रहे हैं इनसे। मैं इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कराऊंगा मंडे ट्यूजडे को ये लिस्ट जो डेली उनमें जितनी कार्रवाइयाँ होती है मैं आपको भेज दूंगा, तो आप कभी शेयर कर लीजिएगा जितने दिन में कितने इन पे फाइन्स लगते हैं और कितने कितने जो है लोग हमारी जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं या वो उसमें यही कमिश्नर और एसीज जाके छापे मारते हैं, तो जो मुनाफा खोर होते हैं तो उनके वो पूरी लिस्ट बनती है डेली जो जितने होते हैं, तो वो आपको शेयर कर वीकली भी होती है इनकी डेली बेसिस पे भी होती है, मतलब नॉइज़ पे डिपेंड करता है सब। आपको इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे को आपको भेज दूंगा। ठीक है इंशाल्लाह जरूर मैं इंतजार करूंगी। लेकिन बात यह है कि कराची की आवाम पानी की बूंद बूंद के लिए परेशान है, पानी आवाम को मैसर नहीं है, पानी चोरी हो रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है? वाटर एमडी को कुछ पता ही नहीं होता, उनको जब भी फ़ोन करके उनसे हम बात करते हैं इलाके की मतलब कंप्लेन करते बोलते हैं सब कुछ नॉर्मल है, मेरे मुताबिक तो सारी चीज़ें ओके हैं अपनी जगह पे, पानी के ज़रूर हैं। हम उस पर आपके चैनल के तवसु से भी मैं खुद भी कहता हूँ मगर हम खुद एक्शन भी लेते हैं इस पर। दूसरी बात यह कि आज कल पानी का वैसे भी शॉर्टेज है, हमारे मिनिस्टर साहब देखें असम्बली में, कल भी उससे पहले भी बिलावल साहब ने बदीन में भी कहा था कि पानी का इशू है और पानी हमें जो इरसा से जो एक्ट है उससे उसके तहत हमें दिया जाए, तो हमारा जो एग्रीकल्चर है और इसके अलावा हमारे जो पानी मुहैया होता है शहरों में वो भी हमें पूरी तरह से मिले। आजकल के दिनों में जो है वो पानी का इशू ज़रूर है और ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि गर्मी बढ़ चुकी है, क्या इलेक्ट्रिक ने ज़ाहिर बिजली बंद कर दी तो पानी जो है आगे से सप्लाई नहीं हो पा रहा है, और दूसरा ये कि हाइड्रेंट्स को पानी पहुंच जाता है, हाइड्रेंट्स को कैसे पहुंच जाते हैं ये सवाल तो मेरा ये है, जबकि चलिए ठीक है हम मान लेते हैं लीगल हाइड्रेंट्स हैं उनके, लेकिन फिर भी जब आवाम को पानी मैसर नहीं है तो उन तक कैसे पहुँच जाते हैं? जो लीगल हैं उनको पहुँचता है या नहीं वो तो ज़ाहिर है मैं उनसे बात करूँगा, मगर जो है लीगल जो है वो तो होगा उनके पास, वो तो मुहैया कर लेते हैं, ये भी ना होते तो कराची में तो बहुत ज़्यादा ही मसला हो जाता क्योंकि पानी का वैसे ही मसला चल रहा है कराची। अगर ये ना होते तो मेरे ख्याल से आवाम को पानी भरपूर मिलता। पानी देखिए पानी के लिए मसला है हमारे शहर में और अभी हमें पूरे सूबे में मसला आ रहा है पानी का, हमें ज़रात को भी बड़ा इफ़ेक्ट हुआ है अभी, हमारी क्रॉप्स को भी आ रहा है, मगर कराची शहर में
हमने बड़ी कोशिश की है कि इसको हम कंट्रोल करें, मगर ये मैं नहीं करूँगा कहूँगा कि पूरी तरह हुआ है, मगर इंशाल्लाह उस पर किया भी है और भी करेंगे इस पानी के इशू को सॉल्व। इंशाल्लाह। ये क्या लगता है कि बदमाशी आपको क्या लगता है ये कब तक और चल सकती है, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई देखें, होगी? इन इनको हमने बार बार समझाया है और अब भी आपके चैनल के तवसुत से भी कहेंगे और फिर और भी हम इनसे रब्ता इनके ऑफिसर से करके देखते हैं कि ये क्या कहते हैं, इसके क्यों ऐसा हो रहा है आखिर, सही। क्योंकि लोग बिल भी दे रहे हैं और फिर भी उसके बावजूद अगर हमें गर्मियों में इतना इतनी तकलीफ़ हमारी हमको पहुँचे तो ये बड़ी गलत बात बिल्कुल ठीक कह रहे है। हैं। बल्दियाती इंतखाबात अगर हो जाते हैं तो इसमें पीपल्स पार्टी की कैसी तैयारी है? हम पूरी तरह से तैयार हैं माशाल्लाह और हमें यकीन है कि बड़ी भारी मैंडेट से इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आएगी और हमने हमेशा खिदमत की है, अभी भी खिदमत करेंगे। खिदमत की है, उसके बावजूद जब चंद कतरे बारिश के पड़े थे तो पूरा सैलाब का मंजर पेश देखिए कर रहा था। ये आप मिसाल लें डिफेंस की, वो हमारे अंडर नहीं आता नहीं, था मैं लेकिन फिर गुलिस्तान भी जो है, चौहान और गुलशन और इकबाल यहाँ और मैं मुख्तलिफ, आपको बता रहा हूँ, आप कंपेयर करेंगी और इलाकों में से और इलाकों से तो एक विदिन 1 और 2 डेज़ में हमने पानी जो है वो निकाल लिया था ठीक है। और उसमें मैं आपको इस साल की जो पिछले साल की नहीं उससे पहले मैं खुद भी कराची क्लीन में मेंबर था जब बारिशें हुई थी, तो हम एक एक दिन भी नहीं, हम पूरी रात खड़े होते थे खुद रोड्स पे और सही। पूरा पानी हम निकलवाते थे खड़ा होकर। और इस बार भी यही हुआ था, सिर्फ डिफेंस में पानी था, बाकी हम 2 दिन के अंदर अंदर पूरा शहर का हमने तकरीबन पानी निकाल लिया था। सही। तो अब ये तो होता है, बारिशें तो अब ज़्यादा आई थी जो है जी। अल्लाह की तरफ से थी, बहुत ज़्यादा आई थी। हमारे यहाँ तो सांगढ़ बदीन मीरपुर खास पूरे तरह से जो है वो लोग डूब गए थे, परेशान हो गए थे, सैलाब आ गया था, मगर फिर भी कोशिश हमने की तो उनको रिलीफ और जो है उनको उन तकलीफ़ से निकालने की कोशिश की थी, मगर अल्लाह करे कि रहम वाली है इस बार भी बारिश हो। आमीन सुम्मा और आमीन जो है इंशाल्लाह। ये पानी का इशू भी है ज़रूर, मगर लोग इस इतनी ज़्यादा अजियत में भी ना आए जो पिछले साल हुआ था। बिल्कुल। और यार सब आप कोविड की जो अभी जैसे SOPs को आवाम फॉलो कर रही है, आपको क्या लगता है लॉकडाउन कब तक लगा रहेगा? ये कुछ आवाम को देखें रिलीफ मिलेगा या फिर जो है ये इसी तरह से ये चलता रहेगा? ये आवाम के हाथ में खुद के वो क्या चाहते हैं, अगर वो SOPs को फॉलो करते हैं, वो वैक्सीनेशन जल्दी करा देते हैं तो इंशाल्लाह पूरा शहर खुल जाएगा, पूरा हमारा सूबा खुल जाएगा, पूरा पाकिस्तान खुल जाएगा, क्योंकि जी पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ ये ज़्यादा केसेस हो रहे हैं वहाँ पर मजबूरन हमें, देखें ये सिर्फ आवाम का भी नहीं हुकूमतों का भी नुकसान होता है इसमें, हमारी मईशत को भी नुकसान होता है, मगर ये कड़वा घूंट हमें पीना पड़ता है क्योंकि हमें आवाम की ज़िंदगी अजीज़ है, बिल्कुल। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ता है। अगर लोग हमारे SOPs को फॉलो करेंगे, वैक्सीनेशन कराएंगे, आपके जी लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हर जगह पे अवेलेबल है, आप नहीं करवाएंगे वैक्सीन और आप फिर भी हुकूमतों को इल्ज़ाम देंगे तो ये तो हमारी गलती नहीं, आपकी गलती है। बिल्कुल ठीक। आप आप अपने बड़ों का ख्याल करें, अपने घर वालों का ख्याल करें, आप वैक्सीनेशन कराएंगे तो आप महफूज रहेंगे और वो भी महफूज रहेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप नाज़रीन के लिए क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि काइंडली जो है जितना हो सके जल्द जाके और वैक्सीनेशन कराएं और ज़िंदगी को मामूल की तरफ जो है लेके जाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।